हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज का जो सेशन है वो है आपका क्लॉक से रिलेटेड, क्लॉक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो SSC रेलवे एंड आपके SI एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्लॉक के ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको अभी तक आपने देखा नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। स्पेशली रेलवे में उनको कई बार पूछा जा चुका है और आप सब लोग ये चीज़ जानते हैं बच्चों कि जो चीज़ रेलवे में पूछी जाती है वो SSC में भी और एज वेल एज आपके SI वगैरह में भी उसको इंट्रोड्यूस कराने में उनको तनिक भी संकोच नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन इतने स्पेशल हैं कि हो सकता है कि आपने पहले कभी देखे भी ना हो, या हो सकता है कि जब आप ये क्वेश्चन लगाएं तो एक बार को कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसकी हिंट, यानी उस क्वेश्चन की आपको हिंट नहीं दिखेगी। समझ रहे हैं बात को? कोई बात नहीं, देखो सेशन को जीरो से टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा वो नॉर्मल हमारे पास, लेकिन उस नॉर्मल क्वेश्चन में भी मुझे पता है कि आपको दिक्कतें होने वाली हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कुछ पॉइंट आपके छूट जाए। मुझे पता है कि आप बहुत तेज हो, है ना, आधा इधर से देख लिया आधा उधर से देख लिया और लास्ट फाइनल कंक्लूजन पर पहुँच के, नहीं बेटा इस बार ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको सेशन को देखना है। ठीक, तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, उसको पहले पॉज कर लीजिए फिर लगा के देखिए खुद। अगर लगा पाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पिक किए गए हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी हाँ, क्लॉक के क्वेश्चन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्लॉक तो आपने कर रखा है, इवन आफ्टर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, आप क्या करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कर लीजिए पॉज और क्वेश्चन को बना करके देखिए। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन 4 to 5 PM। एक बंदा है जो मार्केट जाता है 4 to 5 के बीच, बट व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आता है देन ही फाइन, तो उसे पता चलता है कि द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड हैड एक्सचेंज देयर पोजीशंस रेस्पेक्टिवली। तो उसे पता चलता है कि जो मिनट और जो घंटे की सुई है उन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली है। तो बताना आपको यह है कि वो कितने समय तक घर से बाहर रहा था, यानी मार्केट में कितने समय तक रहा था। अभी आने जाने वाला उल्टे सीधे क्वेश्चंस मत सोचना, मतलब घर से कितने समय तक बाहर रहा था। तो देखो बताओ फटाफट से आंसर क्या बनेगा, कमेंट जरूर करना अगर आंसर आता है तो, वीडियो को देखने के बाद नहीं पहले। कोई हिंट नजर आ रही है? नहीं ना, तो समझ आ रहा है क्वेश्चन को आखिर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन, जब भी आप कोई सेशन देखते हैं ना तो उस सेशन को पूरा देखा करो, एक मिनट भी स्किप मत किया करो, क्योंकि हो सकता है उसी मिनट में कुछ लाखों की बात की गई हो। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कि आखिर इसको करना कैसे होता है। प्यारे बच्चों देखो बेटा, एक सिंपल सा ये हमारा जो आया है अभी, ये है हमारा टाइप 1, ये हमारा कौन सा है टाइप 1 है, जिसमें खास बात क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है बेटा वो 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन गिवन है। कितने का? 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन गिवन है। ठीक है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आप जाएंगे 2 to 3 के बीच में, लेकिन आएंगे 7 to 8 के बीच में, तो कई सारी रेस्पेक्टिव वैल्यूज इधर उधर होंगी तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन 1 by 1 चीज़ों को 1 by 1 देख लेते हैं। ठीक है, बने हुए तो हैं आप, तो आराम से देख लेते हैं। तो यानी टाइम हमारा यहाँ पे क्या गिवन था बेटा, हमें टाइम गिवन था 4 to 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 to 5 के बीच में जाना है और 4 to 5 के बीच में आना है, तो 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हुआ। इस 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आपको बताना है कितने समय तक बाहर रहा था, अगर घड़ियों की जो सुइयाँ हैं वो आपस में अपनी जगह क्या कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं विदिन 1 आवर। तो ऐसे केस में क्या पूछा जा रहा है बेटा आपसे, बाहर रहने का समय आपसे क्या पूछा गया बेटा, बाहर रहने का समय। तो अगर 1 घंटे के लिए बात करें, 1 घंटे के लिए बात करें तो बेटा सीधा सीधा आपका आंसर होता है 720/13। कितना आंसर होता है बेटा, 720/13। अब ये है क्या 720/13? 720/13 को आप या तो ऐसे जान लो
इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन वैल्यू, या तो इसे नाम याद रखो गोल्डन वैल्यू, या इसको इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ आर्म्स। किसमें आर्म्स? घड़ी की सुइयां, आर्म्स है ना। इसको इन दो चीजों से जान सकते हो क्या, 720/13 को। अब आप कहेंगे ये सर 720/13 एकदम अचानक से कहाँ गया? तो बेटा कुछ चीजें हैं जो होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो या पढ़ाते हैं तो उस दौरान तक हम अकॉर्डिंगली उतनी ही वैल्यू पढ़ाते हैं बच्चों को जितनी उनकी आवश्यकता है ना, सबकी यही रहता है। तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अगर आपको, तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। यानी बस SSC की कोई बुक ली, चार छः क्वेश्चंस देखे, चार छः टाइप बता दिए और चैप्टर ख़त्म, ऐसे नहीं होता बेटा। जब आप पढ़ रहे होते हैं स्पेशल, तो स्पेशल में लगभग लगभग आपके दिमाग में जो चल सकता है वो सब कुछ पूछा जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है, रेलवे हो, SSC हो, आपका SI हो, आपका पुलिस एग्जाम हो, ग्रुप डी तक में इन क्वेश्चंस की डिमांड रहती है। बहुत छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इसकी हिंट नहीं मिलती है, बस क्या है आपको इसकी हिंट नहीं मिलती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, यहाँ तो अभी कुछ क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करा, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाहर रहने का समय तो क्या है बेटा, 720/13। देखो आपने एक टाइम तो पढ़ रखा है, एक टाइम तो आपको पता है कौन सा, कि बच्चों आप जानते हो कि जो आर्म्स ऑफ द क्लॉक हैं वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं, घड़ी की सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं, घड़ी की सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो आपको पता है। क्या कॉन्साइड वाला आपको पता है कि घड़ी की सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं? तो मेरे बच्चों आप सीधा सीधा बता दोगे 65/5/11, यही तो बोलते हो ना बेटा। ये कौन सा टाइम आपको बताया जाता है? ये है आपका कॉन्साइड, घड़ी की सुइयां कितने समय बाद फिर दोबारा मिलती हैं। सपोज करो 12 बजे मिली हुई हैं, फिर आप कहो कितने समय बाद वो दोबारा मिल जाएंगी, फिर दोबारा एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो वो टाइम होता है आपका कितना, 65/5/11। आई नो कि ये आपको पता है अगर आपने थोड़ा भी क्लॉक को पढ़ाया तो। ये जो वैल्यू है बेटा, ये कौन सी 720/13, ये तुमने कम पढ़ी होगी, इसी को बोलते हैं बेटा इंटरचेंज, घड़ी की सुइयां कितने समय बाद, घड़ी की सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे को एक्सचेंज करती हैं, एक्सचेंज मतलब रिप्लेस करती हैं, मतलब घड़ी की जो मिनट की सुई है वो घंटे के जगह पर और घंटे की सुई है जो मिनट की जगह पर, वही टाइम बेटा, यानी कि जो इंटरचेंज का टाइम है, किसका, आर्म्स का, जो इंटरचेंज का टाइम है वो टाइम आपको पता होना चाहिए, दैट इज 55/5/13। कितना है बेटा, 55/5/13। इसको आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, यहाँ 11 है बटे में और यहाँ पे 13 है। सारी चीज़ें डिटेल में बता सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं, इसमें कई टाइप हैं तो उसके और भी क्वेश्चंस कराने हैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप इतने से काम चलाओ कि जो घड़ी की सुइयाँ हैं एकदम फिक्स है हर बार के लिए, कि घड़ी की सुइयाँ एक घंटे में एक दूसरे को जो एक्सचेंज करती हैं वो कितने समय बाद एक्सचेंज करती हैं, ये ठीक है। एक घंटे में कोई भी अगर अगला एक्सचेंज हुआ है, घड़ी की सुइयों का जो एक्सचेंज होगा वो कितने बजे एक्सचेंज होगा, कितने टाइम बाद एक्सचेंज होगा, तो वो होता है आपका 55/5/13। और बेटा इसको पूरा अगर हम कर दें, देखो 13×5 65, अगर हम मल्टीपल कर लें यार सिंपल सा, तो ये 13×5 65 और 13×5 65 और 5 70, यानी 705, और ये सॉरी 715, 13×5 65 है ना, देखो मैं कर देता हूँ वरना फिर कन्फ्यूज़ करोगे, ये यहाँ पे 5/13 है, 13 का गुणा कर दिया, 13×5 65 6, 13×5 65 और 6 71, 715 और ऊपर 5 है बेटा, तो कितना हो गया 720/13 हो जाएगा, तो वही टाइम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 4 बजे से 5 बजे के बीच में कोई बंदा गया, फिर वापस आया, वापस आके देखा कि घड़ी की सुइयां कैसी हो गई हैं, आपस में एक्सचेंज कर रही हैं एक दूसरे को, तो एक्सचेंज कर रही हैं, वो टाइम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्डन वैल्यू होती है, इसी को गोल्डन वैल्यू बोलते हैं। तो 55/5/13 या 720/13 बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है भाई। तो ये 4 बजे से 5 बजे के बीच जाए,
या 3 बजे से 4 बजे के बीच जाए, या 2 बजे से 1 बजे के बीच जाए, 1 से 2 के बीच, है ना, या फिर आपसे कहे कि वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में जा रहा है, यानी कि आपको कितना टाइम कितना दे रहा है, वो 1 घंटे का अगर समय दे रहा है, यानी कि वो 1 घंटे में ही वापस आ रहा है, तो आपको याद क्या रखना है, बाहर रहने का जो समय होता है बेटा वो होता है 720/13, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो इसमें था क्या, तो आपको ऑप्शंस में हो सकता है 720/13 ऑप्शन में दे दे, या हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, है ना, यानी 55 से ही 5/13। अगर नहीं है तो कुछ फ्रैक्शंस में भी वैल्यू हो सकती है, जैसे आपको कह सकता है कि 55 से ही जो 5/13 है बेटा, इसको और थोड़ा पॉइंट वगैरह में बोल सकता है, जनरली जो ऑप्शन मिला था वो मिनट्स में था, जो आपको भी दे रखे तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 55 मिनट और 38 और अप्रॉक्स शायद 4 और जो भी हो, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया किसमें बेटा, मिनट में, ये वैल्यू आपकी कैसी है, फ्रैक्शन में, यानी कितने समय तक बाहर रहा, इतने समय तक वो बाहर रहा, ठीक है। तो गोल्डन वैल्यू पता चल गई, गोल्डन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फटाफट से कैरी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फटाफट से कोशिश करिए इसे लगाने की, आई होप कि आप इसे लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन जो है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच घर से निकलता है मार्केट के लिए, या कहीं भी जा सकता है वो, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, और 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि जब वो गया था उस समय जो घड़ी की सुइयों की जो पोजीशन थी, यानी कि जो घंटे और मिनट की जो सुई थी, उन्होंने आपस में अब जगह बदल ली है, मीन्स घंटे की जगह पर मिनट और मिनट की जगह पर घंटे की सुई, यानी कि जब वो 8 बजे से 9 बजे के बीच वापस आया तब उसने ऐसा पाया है, ठीक है भाई। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो कितने समय तक घर से बाहर रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि घर से बाहर रहने के लिए अभी मैंने क्या वैल्यू बताई थी, पहले ये बताओ, गोल्डन वैल्यू बताई थी, हाँ या ना, कुछ था ना गोल्डन वैल्यू, क्या थी बेटा गोल्डन वैल्यू, गोल्डन वैल्यू जो अपन ने बात करी थी बेटा वो थी कितनी बेटा, 720/13 थी, या फिर हम इसे क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे इसे कि हम इसे ये भी बोल सकते हैं 55 सही 5/13 भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों, हाँ या ना, या जनरली हम इसे 55.38 भी बोल सकते हैं, और भी है थोड़ी सी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पूछता है वो हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में बहुत आती है, तो इस वजह से वो डिटेल में नहीं, इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो मैंने गोल्डन वैल्यू बताई है वो कितने टाइम के लिए बताई थी, गोल्डन वैल्यू का मतलब ही क्या है कि वो किसके लिए बेटा, टाइम इंटरचेंज के लिए, और वो ओनली फॉर 1 आवर के लिए, हाँ या ना, बोलो बच्चों, ये वैल्यू किसके लिए यूज होती है बेटा, 1 घंटे के लिए। अब देखो क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने कहा कि एक बंदा 1 बजे से 2 बजे के बीच क्या कर रहा है, 1 बजे से 2 बजे के बीच घर से निकल रहा है, जा रहा है, और वो बंदा जो है 8 बजे से 9 बजे के बीच वापस आ जाता है, तो क्या हो जाता है, सुइयां एक्सचेंज हो जाती है। मेरे बच्चों एक बात बताओ, बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो बेटा वो जब निकला था घर से तो 1 बजे से 2 बजे के बीच निकला है, यानी जाहिर सी बात है कि 1 बजकर कुछ समय हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 2 बजे के बाद तो नहीं निकला, 1 से 2 के बीच में निकला, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम क्या रहा होगा, 1 बजकर कुछ मिनट रहा होगा, मुझे नहीं पता कि कितना मिनट है, हालांकि आगे क्वेश्चंस में वो भी करवाने वाला हूँ, ठीक है, बट अभी फिलहाल फोकस करो बाहर रहने वाले टाइम पे, एक टाइप का क्वेश्चन एक बार में करो, फिर उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1 बजे, जब 1 बजे से 2 बजे के बीच में जब वो निकला है तो 1 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, 8 बजे से 9 बजे के बीच आया है तो 8 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, 9 बज नहीं सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मुझे ये बताओ कि हम 1 घंटे के लिए लगाते थे ये गोल्डन वैल्यू, अब यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 1 बजे निकला है और 1 बजे से 8 बजे के आसपास आया, तो अप्रॉक्स जो आपका टाइम रहा होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप रहा होगा वो रहा होगा लगभग 7 घंटे का, हाँ या ना, अरे यही तो कहोगे 7 घंटे का टाइम रहा होगा, 7 घंटे का बीच में गैप है, 7 घंटे बाद आ रहा है लगभग अप्रॉक्स में, तो बस आपको 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन के लिए
टर्म पता है कि गोल्डन वैल्यू कितनी होती है बेटा? समथिंग कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो आप इसमें से। अब वो 7 घंटे के, सिंपल 7 घंटे के लिए क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, यानी 7 गुणा या तो कर दो बेटा 720/13, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 7 गुणा जिस वैल्यू में आपको वैल्यू गिवन हो। अब मुझे तो नहीं पता कि ऑप्शंस मान लीजिए किस फॉर्मेट में वो आपको प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं सारे फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और भी कैसे लिख सकते हो, 7 गुणा आपका ये हो जाएगा 55.38, आया ना ऐसे, ठीक है भाई। तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, चलो मल्टीपल कर लेते हैं, लास्ट वाली वैल्यू भी मल्टीपल कर लेते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीपल किया बेटा, तो 7, 8, 56, 21, ये 3587, अरे 7, 5, 35, 387 हो गया, 7, 21 तो कैरी चल रही थी, 7, 5, 35 और 2, 37 ये आ गया लगभग, है ना। ये क्या है, मिनट में है बेटा, क्यों ये मत कन्फ्यूज होना कि सर ये आप कितना 7 घंटे यूज़ करें तो ये घंटे में टर्म आएगा, नहीं बेटा ये जो वैल्यू है वो ऑलरेडी किसके लिए, 1 घंटे के लिए है ना, तो यहाँ पे 1 का भी तो मान सकते थे जब ये कर रहे थे, तो ये भी तो मिनट था ना बेटा, हाँ या ना। तो 7 घंटे इससे जो निकल के आती है वो वैल्यू आती है मिनट में। अब हो सकता है कि आपको क्या मिले बेटा, ऑप्शंस मिल जाए किसमें, घंटे में, ठीक है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, अगर हम इसे इस वैल्यू को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 387.6660, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 6 घंटे, अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ मैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरा, लगभग 6:46 के आसपास का टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। यानी कि वो घर से जो बाहर रहा है वो रहा है 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। अब इसको कैलकुलेशन उस हिसाब से लिख लेना, तो डिपेंड अपॉन द ऑप्शन आपका आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया था बेटा। मान लो कि अगर वो टाइम ड्यूरेशन क्या कहता, सपोज करो एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो कि कोई बंदा है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच जा रहा है और 10 बजे से 11 बजे के बीच में बेटा आ रहा है, आया ना, 1 बजे से 2 बजे के बीच में जा रहा है और 10 बजे से 11 बजे के बीच में आ रहा है, तो दिखता है कि वो घड़ी की सुइयां कैसी हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा बेटा, कितने टाइम डिफरेंस आया इन दोनों में, 9 घंटे का, 9 घंटे × 720/13 आपका आंसर, हाँ या ना, समझ आया भाई। तो आपको दिमाग में नई चीज़ ऐड क्या करनी है, दैट इज़ गोल्डन वैल्यू कितनी होती है, 720/13 होती है। मुझे पता है कि कुछ बच्चे अभी भी दिमाग में चला रहे होंगे, सर इसको एक्सप्लेन करते थे, बेटा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट और चाहिए, है ना। अगर आपको चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, सर गोल्डन वैल्यू के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो अगर मैं कमेंट्स मुझे लगेगा हाँ बच्चे इच्छुक हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, टाइप टू के बारे में, ठीक है। तो टाइप टू के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है उनके लिए, फटाफट से उसको देख लीजिए। टाइप टू बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, टाइप टू बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, और इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा है अपेक्षा इसके। ये तो एक सीधा सीधा कॉमन फैक्टर आ जाता है तो इससे बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो टाइप टू है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक बच्चा है जो मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में जाता है स्कूल, ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में वो जा रहा है और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में आ रहा है, तो दिखता है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो आपस में एक दूसरे के जो पोजिशंस को इंटरचेंज कर चुके हैं, राइट। तो देखो, और इस बार यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए वो बच्चा कब स्कूल गया था, यानी कि किस टाइम पर वो बच्चा स्कूल गया है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पर अब इस बार क्या नहीं पूछा, यहाँ बाहर रहने का उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछा है, आप चाहेंगे तो इसमें लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए पहले ये बात समझो कि वो गया कब है, यानी कि जो जाने का टाइम है मेरे बच्चों, उसका जाने का टाइम क्या दिया है, जाने का समय क्या है मेरे बच्चों, उसके जाने का समय है 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो गया है, है ना, ये तो बोल सकते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच गया है। और आने का समय क्या है बेटा, जो आने का समय है
वो है 5 बजे से 6 बजे के बीच का। इसको डिटेल में लिखने के पीछे वजह है, वो अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। और पूछा क्या है, वापस आया तो पता चला कि उसका जो टाइम जो इंटरचेंज है, इंटरचेंज कर चुके हैं आर्म्स ऑफ द क्लॉक, तो अब आपको बताना है वो कितने बजे गया था, ठीक है बच्चों, कितने बजे गया था। तो ये तो आपको बिल्कुल पक्का पता है कि वो कितने बजे गया था, है ना, तो बता दो फटाफट कितने बजे गया था। अरे ऑब्वियस ही बात है सर, 8 से 9 बजे के बीच गया था, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट टाइम बताओ कि वो कितने बजे गया था, नाउ यू विल कंफ्यूज अगेन, यू हैव नो हिंट, राइट। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है बेटा। जो समय पूछा जाए, जाने का समय, आने का समय, तो बड़े आराम से कर सकते हो। देखो इस लाइन को, ये टाइप 2 है बेटा, ये जरूर याद रखना, ये कैसा है टाइप 2। आपको क्या करना है, बजकर ठीक है 60/13 गुणा समय, या जो दूसरा टाइम है, मैं अभी आपको समझा दूंगा ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, कैसे इसको वर्क कराना है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा गया है कि कितने समय गया था। तो बच्चों ऐसा करना कि आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को पहले लिख लेना, ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन करो, जाने का समय आने का समय ये लग गया। तो सिंपल सी बात है, देखो जाने का समय है तो यानी 8 बजकर कोई टाइम यही तो होगा, 8:10, 8:20, 8:40 जो भी, तो यानी 8 बजकर, समझ आ गया, 8 बजकर क्या लिखा था मैंने, 8 बजकर, हाँ या ना, सुपर फास्ट ट्रिक है, वर्क करेगी धड़ाधड़, कहीं भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए फटाफट से आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 8 बजकर 60/13, फिर से सोचोगे 60/13 क्या है, अरे ये वही है भाई, इंटरचेंजिंग टाइम है, बट यहाँ पर कुछ और स्लॉट में उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। फिलहाल पहले क्वेश्चन को जान लेते हैं, तो बेटा कि 8 बजकर, अब ये समय कौन सा लेना है, मैंने कहा दूसरा, तो दूसरा समय ये वाला नहीं लेना बेटा, हमेशा आपको इसके जो क्रॉस में आएगा, आपको क्या है यहाँ पर पूछा क्या गया था, पहले ये बता दो गया कितने बजे, है ना, कितने बजे गया ये निकाल लेना हम लोग। देखो 8 यानी 5 कर 60/13 ये रख दिया, और टाइम दूसरा लेना है, ठीक है। टाइम कौन सा लेना है, हमेशा उसके जो डायगोनल टाइम लेना है ना, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो समय कौन सा, डायगोनल समय, डायगोनल यानी विकर्णीय, है ना, डायगोनल टाइम भी लिख सकते हो आप, जैसे आप अपने नोट्स को और बेहतर कर सको अपने आप को समझाने के लिए। तो यानी गुणा कितना, गुणा कितना बेटा, ओनली 6, है ना, रखो देखो अभी 8 बजकर 6 का गुणा करो तो 36 360/13, अगर इसे और प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8:13 43 ज़्यादा हो जाएगा, 13 26 10 100, 13 97 9/13 फाइनल आंसर एंड फिक्स आंसर। नहीं समझ आया, दोबारा बताओ सर एक बार और, देखो कोई नहीं बेटा, उसने पूछा गया था जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि ये बताओ कि बंदा जो है वो जो बच्चा है वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में स्कूल में गया था और 5 से 6 के बीच में वापस आ रहा था, घड़ी की सुइयां आपस में इंटरचेंज होगी या एक्सचेंज होगी। तो हमने क्या बताया, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया बेटा, सिंपल सा तरीका, बजकर एक डबल कोलन 60/13 गुणा समय कौन सा, डायगोनल लिख लो, दूसरा लिख लो, जो भी आपको पसंद आए वो लिख लो, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन क्वेश्चंस के बारे में मुझे पता ही नहीं है। मुझे YouTube से पैसा नहीं कमाना है, बट मैं चाहता ही हूँ कि अगर मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम वो 4-6 लोग देखे तो सही, उन ज़रूरतमंदों को कम से कम आप इतना तो कर सकते हो ना, चलो यार कोई कॉस्ट लग रही हो तो ये भी सोचा जाए कि भाई नहीं मैं अपना पैसा क्यों खर्च कर दूँ, अगर मैंने शेयर कर दिया तो पैसा खर्च होगा, है ना, अगर मैंने लाइक कर दिया तो शायद 10 रुपये कट जाएंगे मेरे अकाउंट से, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ना। एक्चुअली ये जो आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना,
वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो कंटेंट ला रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो बच्चे उस पर अमल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इस चीज़ की बस मोटिवेशन मिलता है, इस चीज़ का संतोष होता है। ठीक है, खैर चलो वापस दोबारा एक बार देख लेते हैं बेटा। दोबारा देखने के लिए क्या है, सिंपल सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो वैल्यू समझ में आएगी आपको, फिर भी मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसे हटा देता हूँ। सपोज कि फिर से एक बार बिल्कुल बेसिक जीरो से जानते हैं। एक बात बताओ बेटा, जब बच्चा गया होगा तो ये तो सिंपल सी बात है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यानी 8 बजकर कुछ टाइम हो रहा होगा, तो मैंने क्या किया, बजकर की जगह लिख लिया बेटा 8, 60/11 ये हमारे पास कॉन्सेप्ट में हर जगह यही लगाना है, हर क्वेश्चन में यही लगाना है, जब वो आने जाने का टाइम पूछेगा तब। मैंने कहा जो समय लेना है वो समय कैसा लेना है बेटा, डायगोनल 8 बजे जाने का यहाँ पूछा जा रहा है ना बेटा, उसके जाने का समय पूछ रहा है, तो यहाँ से रखा था हमने, उसके डायगोनल में कौन आया 6, मल्टीपल कर दिया था 6, तो कितना आया था, आई थिंक अगर मुझे याद है तो वो पूछा था 8:27 9/13 यही आपको आंसर काम मिलेगा बेटा एग्जाम में मिलेगा। अब मान लो कि उसने क्या किया, और बेहतर तरीके से समझने के लिए उसने क्या किया, आपसे ये पूछा कि ये बताओ वापस कब आया। क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ वापस कब आया। तो वापस आने के लिए देखो बेटा, वापस आने का टाइम क्या होगा, 5 बजे से 6 बजे के बीच रहा होगा, हाँ या ना। अरे भाई वापस आया होगा तो 5 बजे से 6 बजे के बीच ही तो आया होगा बच्चों। ठीक है, तो 5 बजकर ओके, और बेटा क्या करना है, 60/13 लिखना है, गुणा कौन सा टाइम बेटा, डायगोनल, कौन सा टाइम बेटा, डायगोनल, कौन सा टाइम, डायगोनल, कितना है यहाँ पर 9, बस रख दो, 5:54 540/13 ना बेटा, तो और ये 5:13 52 आया ना, अरे पूरा कर दिया मैंने, 52 बच्चे कितने, 2 13 13 और 9/13 फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, और बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फटाफट से, उसका भी मुझे आप आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताओ उसका कि उस अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोगों को, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से, जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करो फटाफट और देखो कि क्या 10 सेकंड में आप इसका आंसर बता पा रहे हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो जल्दी बेटा, फटाफट से बताओ इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, राजीव जो है वो 10 बजे से 11 बजे के बीच में अपने ऑफिस के लिए निकलता है। ठीक है, और 4 बजे से 5 बजे के बीच में वापस आ जाता है, तो पता है कि घड़ी की सुइयां कैसी हो गई हैं, इंटरचेंज हो गई हैं। तो बेटा जाने का टाइम क्या है राजीव का, जाने का टाइम क्या है, जाने का समय क्या है, जाने का समय है 10 बजे से 11 बजे के बीच का, और बेटा आने का टाइम कुछ भी ले सकते हो आप, हो सकता है कि इग्नोर भी कर सकते हो उसे, 4 बजे से 5 बजे के बीच में वो आ रहा है फिलहाल के लिए। हाँ ये तो क्वेश्चन है, आया कब वापस, आने का समय लिख लो, ये सब मैं तुम्हें बस डिटेल में बता रहा हूँ, आपको ये कुछ नहीं लिखना है, ये 4 वैल्यू लिखनी होती है यार, आने का समय हाँ भाई ये वैल्यू लिखने। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बताइए वो कितने बजे घर से गया था, बताइए वो कितने बजे घर से ऑफिस के लिए निकला था। तो बेटा बता दो जाने का समय क्या हो जाएगा, जाने का समय क्या होगा पहले बच्चों, जाने का समय 10 बजकर ही कुछ हो रहा होगा, हाँ या ना, 10:60/13 लिख लिया बच्चों, यहाँ पर 10 बजे जाने का समय पूछ रहा है ना बेटा, तो इसको हम पिक करेंगे, हाँ या ना, इंटू कितना बेटा 5, मल्टीपल कर दीजिए उसको उधर, तो 300/13 हो जाएगा बच्चों, 300/13 हो गया, तो 10:13 का भाग देते हैं, तो 13 × 26 = 4 = 43 और बच्चा शायद 1:13 कितना टाइम लगना है रे आपको, ये सब डिटेल में नहीं लिखना था आपको, तो 4 वैल्यू लिखनी थी, ये 4 वैल्यू लिखनी थी और बस आपको वैल्यू को पुट कर देना था और आंसर कर देना था। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि
मजेदार कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, है ना। एक और बचा क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन बता दो चलो साथ में। आने का समय कितने बजे आया बेटा, फटाफट से ये भी बताओ, चलो जल्दी सब लोग बताओ, कैलकुलेट पूरा करना या मत करना। आने का समय क्या होगा बेटा, 4:00 है ना, 60/13 गुणा कितना बच्चों बताओ फटाफट, गुणा 11 हो जाएगा, हाँ या ना। अरे बोल दो भाई, ये था ना इस टाइम स्लॉट में था तो ये वाला टाइम आ जाएगा, क्या इशू है, ठीक है कैलकुलेट कर लेना। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि राजीव कितने समय तक ऑफिस से बाहर रहा, कितने समय तक ऑफिस से बाहर रहा बताएगा कोई मुझे, तो वो कहेंगे सर गोल्डन वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, भाई 10 बजे गया है और 4 बजे वापस आया है, कितने घंटे हो गए बेटा, 2 10 से 12 2 6 यानी टोटल 6 घंटे, 6 × 720/13 कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, आया ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप बता सकते हैं, क्लियर सी बात है। तो अगर ये एग्ज़ाम में दिखेगा तो अब छूटेगा तो नहीं ना, चाहे। और हाँ अगर आपको पसंद आया हो तरीका, अगर आपको लगा हो कि हाँ कुछ नया सीखे, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये दूसरों की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।